आवाज आ रही है मेरी? समीर, समीर आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। रितिका आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। हां जी भैया आ रही है। चलो बेटा, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ तुम्हें प्रोसेस कॉस्टिंग का। ये एग्जाम में आपका 11 से लेकर 15 मार्क्स का आता है टॉपिक, डेढ़ घंटे से आता है। ये बेटा 10 से लेकर 15 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब ध्यान सुनना, प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है बेटा। चीनी घर में इस्तेमाल करते हो? यस सर। चीनी बनती कैसे, कुछ आइडिया है? नो सर। इतना तो गन्ने से बनती है। हाँ, गन्ने से बनती है। तो चीनी जो गन्ने से बनती है, गन्ने से गुड़ भी बनता है, गन्ने से बतासे भी बनते हैं, गन्ने से मिश्री भी बनती है। तो मतलब ये क्या होता है कि मान लेते हैं एक ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में तुमने क्या डाला, गन्ना। इस प्रोसेस में क्या हुआ, उसका रस निकला, उस रस को इस प्रोसेस में सुखाया गया, फिर सुखाने के बाद चीनी बाहर आई। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो यहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि एक प्रोसेस में जो इनपुट होता है, तुमने यहां इनपुट डाला, यही इनपुट अगले में क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। ये जो इनपुट तुमने डाला, तो ए प्रोसेस ने कुछ आउटपुट निकाला, ये आउटपुट अगले प्रोसेस का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। क्लियर? इसी प्रोसेस में फिर एक आउटपुट निकलेगा, यही आउटपुट इसका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। फिर यहां से कुछ आउटपुट निकलेगा, वो इसका इनपुट बन जाएगा, और लास्ट में जो निकलेगा फिनिश गुड्स निकलेगा। कुछ समझ आई मेरी बात? Yes, sir. इसका मतलब जब हमने गन्ना डाला, 100 किलो गन्ना डाला, तो क्या मुझे इतना बता सकते हो 100 किलो शुगर केन क्या आपको 100 किलो चीनी देगा? क्या 100 किलो गन्ना क्या आपको 100 किलो चीनी दे सकता है? नो सर, पूरी तो नहीं देगा। पूरी तो नहीं देगा, इतना तो कंफर्म हो गया, पूरी नहीं देगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेस्ट होगा ही होगा। तो इस वेस्ट का हमने क्या नाम दिया, इस वेस्ट को हमने नॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं और फिर एबनॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्रोसेस की क्या चीज है, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो 10 से 15 मार्क्स का मतलब क्या है। कभी कभार ऐसा होता है पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कभी कभार 4 मार्क्स की थ्योरी आएगी और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है? कभी कभार 10 मार्क्स का ये, 5 मार्क्स का थ्योरी आएगी, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ी थ्योरी भी जरूरी है। क्लियर? यस सर। साथ के साथ लिखना, इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। साफ पता लग रहा है ये एक ऐसा कॉस्टिंग का मेथड है जो सिर्फ कौन से सेक्टर में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है, ठीक है? जहां पर वेयर वेयर यूनिट्स आर कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस्ड through one or more process. Clear beta point? तो याद रखना, process costing सिर्फ manufacturing sector में काम करता है, वो भी उस manufacturing sector में जहां पर कुछ ना कुछ लगातार produce होता रहता है, एक या उसके ज्यादा process से, मतलब एक या एक से ज्यादा process में वो बनता रहता है चीजों को, ठीक है? यस सर। तो इसमें क्या निकलता है, कॉस्ट पर यूनिट निकल के आता है। क्या निकल के आता है, कॉस्ट पर यूनिट, कि भैया जो प्रोडक्ट बन के बाहर आया वो कितने का होगा। तो फॉर्मूला क्या है यहां पर,
टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट। अगर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस बेटा, नॉर्मल लॉस का मतलब ये होता है जो तुम्हें पता है कि हाँ भाई इतना तो घाटा होगा ही होगा। छोटी सी बात, क्या कभी चाय बनाई है तुम में से किसी ने? यस सर। भाई पूरी चाय, जब चाय हम पतीले से पलटते हैं, क्या सारी चाय पलट देते हैं? थोड़ी गिर भी सकती है, थोड़ी पतीले बच भी सकती है ना? यस सर। उसी को कहते हैं नॉर्मल लॉस। मतलब जो चीज तुम्हें पता है उसको नॉर्मल लॉस कहते हैं। मतलब एक्सपेक्टेड वेस्टेज अंडर यूजुअल ऑपरेटिंग कंडीशन, इसी को कहते हैं नॉर्मल लॉस। मतलब कि तुम्हें पहले से ही पता है कि जो काम हम कर रहे हैं इतना तो नुकसान होगा ही होगा, उसको कहेंगे नॉर्मल लॉस। क्लियर? और ये किस कारण की वजह से हो सकता है? मे बी ड्यू टू रीजंस सच एस भाप बन के उड़ गया, चाहे इवेपोरेशन, टेस्टिंग में चला गया, या फिर कुछ रिजेक्ट्स हो जाते हैं। समझ आ गई मेरी बात बेटा? यस सर। ऋतिका तेरे को समझ आ रहा है? हाँ जी भैया। ओके, जान नहीं समझ आएगा बेटा बता दियो, ठीक है? ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ओके भैया। नेक्स्ट, अगला है एबनॉर्मल लॉस। देख भाई छोटे से बात को समझ लो। ऋतिका बेटा तेरे से क्वेश्चन है, मुझे बता, तेरे को पता है कि हम 100 किलो अगर चीनी डालेंगे, सॉरी 100 किलो अगर गन्ना डालेंगे तो 80 किलो चीनी निकलेगी, तेरे को पता ही ये बात। क्लियर? जी। तो 20 किलो का क्या हुआ? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमें पता है कि हुआ, नॉर्मल लॉस जो हमें पता है। लेकिन हुआ क्या, तूने 100 किलो गन्ना तो डाला लेकिन 70 किलो चीनी ही निकली। अब बता क्या हुआ, अब बता क्या हुआ? I think abnormal loss हुआ होगा, maybe। बेटा 30 किलो का घाटा हुआ, इसका मतलब तेरे को पता था कि यार 20 किलो तो घाटा होता ही होता है ना? हाँ जी। लेकिन 10 किलो फालतू हो गया, तो ये 20 किलो क्या माना जाएगा, नॉर्मल लॉस, और ये 10 किलो क्या माना जाएगा, एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? हाँ जी। समझ आ गया भाई समीर? यस सर। ओके भाई, देख अब दूसरी बात समझ। तुमने क्या हुआ, 100 किलो गन्ना डाला एक प्रोसेस में, लेकिन भाई 82 किलो चीनी बाहर, 82 केजी शुगर निकली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये माना जाएगा, तुमने बोला भाई 20 किलो तो नॉर्मल लॉस होता ही होता है, लेकिन यहां पर 2 किलो का एबनॉर्मल गेन हो गया, फायदा हो गया। क्लियर? यस सर। समझ आ गई मेरी बात? फॉर एग्जांपल हम एक कप चाय बना रहे हैं, भैया देखो इतना तो कोई चैंपियन नहीं कि एक ही कप चाय बनाएगा, वो एक कप से ज्यादा ही हो जाती है, और कभी ऐसा भी होता है कि कभी कम हो जाती है, ठीक है? और कोई बंदे ऐसे तो भाई एक कप की जगह 5 कप बना देते हैं, तो एबनॉर्मल गेन यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन की बात समझा रहा हूँ, क्योंकि यही 3 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, एक्चुअल घाटा इज लोअर देन
अरे मैं क्या लिख दिया इधर, वो लिख दिया मैंने गेन की बात, एक मिनट मैंने गेन में लिख दिया। एबनॉर्मल लॉस, लॉस अकर्स ओवर एंड अबव एक्सपेक्टेड लॉस, भाई जितना सोचा उससे ज्यादा हुआ उसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। एंड लास्ट इज एबनॉर्मल गेन, इसका मतलब लॉस लोअर देन एक्सपेक्टेड लॉस, जितना सोचा उससे कम घाटा होने को एबनॉर्मल गेन कहते हैं। क्लियर बेटा पॉइंट, समझ आ गया? समीर और रितिका समझ आ गया बेटा? यस सर। हाँ जी भैया। नेक्स्ट देखो, फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, यहां क्या लिखेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग, फॉर्मेट। समीर सारे खर्चे किस तरफ आते हैं? समीर सारे खर्चे किस तरफ आते हैं? क्रेडिट। पिट जाएगा मेरे से, सारे खर्चे डेबिट साइड भूल गया क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, हाँ, और सारी कमाई क्रेडिट साइड, ठीक है। लेकिन इसका प्रोसेस समझना, इसका प्रोसेस समझना। फॉर्मेट देखो क्या लिख रहा हूं मैं, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, क्लियर भाई? स्टोरी बताओ, सबसे पहले क्या डालोगे? इनपुट, तुमने क्या लिखा? टू इनपुट, जो भी डालेंगे यहां लिख देंगे। उस इनपुट में क्या खर्च किया? लेबर, टू वेजेस, वेजेस में यूनिट नहीं होती। क्या और क्या खर्च करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, और भी जो जो खर्चे होंगे यहां लिख देना, क्लियर। इनपुट से क्या निकलेगा? आउटपुट, तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी या फिर फिनिश्ड गुड्स। बेटा मतलब समझना, अगर तुम्हारे तीन प्रोसेस हैं तो इसका जो आउटपुट होगा वो अगले प्रोसेस में जाएगा, अगर नहीं है तो सीधा फिनिश्ड गुड्स बन जाएगा, क्लियर? क्लियर क्या सर, एक बार बताना? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान सुनियो। अच्छा रुक जाए, एक मिनट मैं पहले इसको बना दूं। ले भाई मैंने ना यहां से इसको काट दिया। हम मान लेते हैं रितिका बेटा देखियो, हम मान लेते हैं ये प्रोसेस ए अकाउंट है, क्लियर। तो जो भी इनपुट डाला, मान लेते हैं 100 गुड्स का इनपुट डाला, जिसमें से हमारा नॉर्मल लॉस कितना हो गया? 20 यूनिट का, और 80 यूनिट हमने अगले में ट्रांसफर कर दिए। कोई डाउट? सर। यस सर। अब प्रोसेस बी जब बनाओगे, देख भाई प्रोसेस बी जब बनाएगा, प्रोसेस बी अकाउंट, तो यहां क्या लिखेंगे? सेम
पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट। तो यहां क्या लिखा हमने, टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए, मतलब ये जो 80 यूनिट जो ट्रांसफर होंगे वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे। कोई डाउट बेटा? नो सर। रितिका समझ आया? हाँ जी भैया। पक्का सोच ले? हाँ जी। ठीक है, अब यहां पर अमाउंट तो गिवन नहीं है, इस अमाउंट को निकालने का तरीका क्या है? कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था। टोटल कॉस्ट मतलब ये वाला अमाउंट स्टार वन माइनस नॉर्मल कॉस्ट या नॉर्मल लॉस मतलब स्टार टू का अमाउंट डिवाइड बाय टोटल यूनिट मतलब ये वाला माइनस नॉर्मल लॉस मतलब ये वाला। क्लियर? जो भी आएगा उसको यहां से मल्टीप्लाई करके यहां दिखा देंगे। समझ आएगी मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 रुपए पर यूनिट निकलता तो 80 × 30 2400 यहां लिख देंगे। समझ आया बेटा समीर और रितिका? नॉर्मल लॉस का भी एक बार फिर बताना, ये जो ऊपर अमाउंट अलग है और नीचे जो अमाउंट आएगा वो अलग होगा। हाँ ठीक है, एक काम करो अभी फॉर्मेट को समझो, क्वेश्चन आ गया तब समझाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है? ओके, अभी सिर्फ फॉर्मेटिंग पे ध्यान दो। फिर क्या होगा बेटा, ऊपर की कहानी सेम रिपीट होगी। अगर तुम कुछ मटेरियल डालते हो तो मटेरियल लिख दो, वेजेस डालते हो तो वेजेस लिख दो, जो भी खर्चे लिख दो यहाँ पर सारा कुछ। और यहाँ पर दोबारा क्या निकल जाएगा, नॉर्मल लॉस। और यहां पर बेटा आप समीर सुनियो, चार्ज लगा बेटा, 80 यूनिट तुमने डाले, 10 यूनिट खराब हो गए तो बनने कितने चाहिए? 70 बनने चाहिए। तुमने यहां लिखा फिनिश्ड गुड्स लेकिन बने 60, इसका मतलब क्या हो भाई? एबनॉर्मल लॉस। क्या? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस, तो यहां लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। क्लियर? यस सर। रितिका समझ आया? जी भैया। 80 थे, 10 घाटा हुआ, बनने चाहिए थे 70 लेकिन बने 60, तो समझ के 10 रुपए का 10 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हो गया। क्लियर? अब इसका अमाउंट तुम्हें गिवन होगा, इन दोनों का अमाउंट निकालने के लिए तुम्हें पर यूनिट अमाउंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस का यूनिट। जो भी कॉस्ट पर यूनिट आएगी उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे। क्लियर? ओके भैया। यहां तक बात समझ आई कि नहीं समझ आई? हाँ भाई समझ सर, आगे सर, आगे समझ? हाँ सर। तो क्या एक क्वेश्चन करें इसके ऊपर? यस सर। ठीक है भाई, दो मिनट दो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, निकालो फटाफट। टेनियर सबके ऊपर बराबर। बेटा दो मिनट, बेटा मैं बुक लेके आ रहा हूँ, दो मिनट।
बेटा स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अरे यार क्या हो गया इसको, एक मिनट यार। ठीक है सर, देख बेटा क्या लिखा हुआ है। 600 किलो मटेरियल वॉज चार्ज टू प्रोसेस ए एट द रेट रुपीज 4 पर केजी। कुछ समझ आ रहा है? मतलब हमने प्रोसेस ए में 600 किलो का मटेरियल डाला जो 4 रुपए 1 किलो का था। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब ये इनपुट हो गया। सर आगे लिखा है डायरेक्ट लेबर फॉर रुपीज 200। डायरेक्ट लेबर 200 रुपए की होगी और अदर डिपार्टमेंटल एक्सपेंस था 760 रुपए का। एक मिनट मुझे कहां डाउनलोड हो गया, चला गेट बंद कर ले यार। पढ़ाना छोड़ दूं, नौकरी कर लूं? बेटा ध्यान से देखेंगे एक बारी। मैंने बनाया प्रोसेस ए अकाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट और अमाउंट अब समीर इनपुट कितना है? 600 × 4। ऋतिका समझ आ गया? हाँ जी भैया। टू इनपुट, यहाँ के लिखा 600 यूनिट, 4 पे के हिसाब से 2400। क्लियर? नेक्स्ट। यस। कह रहा डायरेक्ट लेबर 200 रुपए है, यहाँ क्या लिखा 2 डायरेक्ट लेबर। सर सॉरी सर, मैंने लिंक नहीं देखा था। बेटा मैं वीडियो सेंड करूंगा स्टार्टिंग की, वो देख लियो तू अब। ठीक है सर। तो डायरेक्ट लेबर कितना हो गया यहाँ पर हमारा 200 रुपए, तो यूनिट तो गिवन नहीं है इसका, तो हमने क्या डाल दिया सीधा 200 रुपए डाल दिए। फिर क्या लिखा 2 डिपार्टमेंटल एक्सपेंस, कितने रुपए ऋतिका? 760 रुपए। तो क्या कर दिया 760 रुपए। यहां तक कोई डाउट बेटा समीर और ऋतिका तेरे को? बेटा कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके
नेक्स्ट, बड़ा नहीं हो रहा ना, बड़ा होता तो मजा आता, बटन होता है क्या बड़े करने का? नेक्स्ट बेटा देखेंगे, कह रहा द नॉर्मल लॉस इज 10%। नॉर्मल लॉस कितना है? 10% का नॉर्मल लॉस है 10% ऑफ इनपुट। तो बेटा इनपुट ये है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय नॉर्मल लॉस कितना है 10%, तो मतलब 60 रुपए। कोई डाउट? 600 में से 60, 10% माल खराब हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया, क्लियर? यस सर। आगे देखते हैं, कह रहा है नेट प्रोडक्शन 500 किलो की हुई है, मतलब बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी कितने किलो, 500 किलो, कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे बता रितिका, तेरे से क्वेश्चन है, 600 में से अगर 60 किलो खराब हो गए तो कितने किलो आने चाहिए थे? 540। लेकिन आए कितने हैं? 500। तो बाकी 40 कहाँ गए? अबनॉर्मल गेन, अबनॉर्मल लॉस, लड़की पिट जाएगी। लॉस कैसे भैया? 600 में से 60 गए, बचने चाहिए थे 540, बचे हैं 500। ओके, कहाँ दिमाग जा रहा है? सॉरी, बाय अबनॉर्मल लॉस 40, क्लियर? मैं दोबारा बता दूं, सुन ले बेटा, 600 में से 10 गुड्स खराब हो गए, तूने बोला, सॉरी 60 गुड्स, तूने कहा 540 तो मिल ही जाएंगे, लेकिन सिर्फ तेरे को 500 मिले, तो 40 का नुकसान हो गया, अबनॉर्मल लॉस, क्लियर? हाँ जी। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान सुनना, Assuming that the process scrap, कह रहा जो भी स्क्रैप में बचा कूड़ा करकट, वो 2 रुपए का बिक जाएगा, लिखा हुआ ना सेलेबल एट रुपीज 2 पर केजी, मिला? तो ये जो 60 किलो सामान बचा, इसको 2 रुपए के हिसाब से बिक गया 120 रुपए, एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। बट इसका निकालेंगे वर्किंग नोट 1, इसका भी निकालेंगे वर्किंग नोट 1, कैसे निकलेगा? कॉस्ट पर यूनिट फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। बेटा टोटल कॉस्ट का टोटल कर, इसका कितना आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा 0, 6, 7, 2, 9, 4, 13 हाथ में गया 1, 3360 और यूनिट है 600, तो तुमने यहां क्या लिख दिया, 3360 माइनस नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है 120 रुपए, 120 डिवाइड बाय 600 माइनस 60, एनी डाउट यहां तक? कोई डाउट? नो सर। रितिका समझ आया यहाँ तक? हाँ जी भैया। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, नॉर्मल लॉस का जो अमाउंट तो ऊपर लिख दिया और जो यूनिट तो नीचे लिख दिया, टोटल कॉस्ट यहाँ लिखा, यूनिट अमाउंट यहाँ लिख दिया। अब बेटा माइनस करके सॉल्व करेंगे, 3360 माइनस 120 यह आ गया 3240 डिवाइड बाई 600 माइनस 60 540, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, कह रहा 6 रुपए पर यूनिट, तो इसका मतलब 40 इंटू 6 कर देंगे 240 और 500 इंटू 6 कर देंगे 3000 रुपए, टोटल कर दो तो ये आ गया 0633 और यहां पर भी हो गया 600। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट यहां तक? नो सर। आगे बढ़ जाऊं? आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा प्रोसेस ए अकाउंट क्लियरली शोइंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस
ऑल्सो प्रिपेयर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, मतलब हमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाना है और प्रोसेस ए अकाउंट बनाना है, 6 मार्क्स का एग्जाम में हुआ है, दिख रहा है यहाँ पर? क्या करेंगे अभी नॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस को छोड़ दो, अभी मुझे बताओ इतना समझ आया कि नहीं समझ आया तुम्हें? क्लियर है बेटा पॉइंट? रितिका क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सर। एक और क्वेश्चन करें? हाँ कर लेते हैं। आओ बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, एक मिनट रुक जाओ मैं एक और क्वेश्चन निकाल लूं। अब ऐसा करते हैं दो दो प्रोसेस वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हैं क्वेश्चन के। अब एक सेकंड, देखो बेटा देख बेटा ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको, स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ जी दिख रही है। देख बेटा कह रहा है प्रोडक्ट पासेस थ्रू टू प्रोसेस ए और बी, दो प्रोसेस से गुजरता है ए और बी में। कह रहा है नॉर्मल लॉस जो होता है प्रोसेस ए में 10% का नॉर्मल लॉस होता है इनपुट के, और प्रोसेस बी में 7.5% का लॉस होता है इनपुट के, क्लियर? कह रहा है जो स्क्रैप वैल्यू है मतलब जो नॉर्मल लॉस होता है, ए का 5 पैसे में बिकता है, बी का 10 पैसे में बिकता है, क्लियर? यस सर। मटेरियल वेजेस अदर एक्सपेंस ये ए के बता दिए हैं, ये बी के बता दिए हैं, और 1000 यूनिट हमने प्रोसेस ए में इंट्रोड्यूस किया है जिसकी कीमत 5000 रुपए है, क्लियर? और कहता आउटपुट प्रोसेस ए का 8400 है, बी का 7300 है, क्लियर? तो मैं यहां पर एक और लिख देता हूं सीधा आउटपुट, जिससे मुझे पेज बार बार पलटना ना पड़े। 8400 यूनिट, 7300 यूनिट, क्लियर? शुरू करूं क्वेश्चन? यस सर। देखना ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। बेटा कितने प्रोसेस है समीर? सर दो हैं। दो है तो दो प्रोसेस बनेंगे? यस सर। तो पहले प्रोसेस ए अकाउंट बना लेते हैं फटाफट से, फॉर्मेट में बदलाव कर रहा हूं मैं, अब यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट तीनों लिख दिया, तो मैं यहां लिख रहा हूं क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्लियर? यस सर। ये क्यों लिखा? तुम्हारे लिए इजी होगा समझने का। तो सबसे पहले ए में क्या करा हमने, इनपुट डाला 1000, यहां लिखा 2 इनपुट 1000, टोटल अमाउंट कितना है 5000, तो मतलब कितने रुपए का एक गुड्स हो गया 5 रुपए का, कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट
कहता मटेरियल 5000, टू मटेरियल 5000 रुपए, ये दोनों ही गिवन नहीं है। टू वेजेस 5500 और टू अदर एक्सपेंस कितना है 25450। ये मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, ये मेरे ख्याल से या तो 2500 होगा बेटा, एक मिनट रुक जा, 2545 होगा, रुक जा भाई, से मुझे गड़बड़ी लग रही है, मुझे अगर ये मिस प्रिंट है इसका कुछ, मैं खुद देख ले, एक मिनट मुझे देखने दे, 255 पेज नंबर पे। बेटा एक मिनट रुक जा मैं बताता हूँ, बेटा 2500 है ये, 2500 भाभी। तो बेटा यहाँ कितना दे रखा है, 2500 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे अब हम, इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पर और लिखेंगे 2500, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी बेटा सुमित और रितिका और निकिता से पूछूंगा नहीं, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सुमित समझ आ गया? Yes, sir. समीर यार, समीर समीर देख भाई, नेक्स्ट प्रोसेस बी की बात नहीं कर रही, प्रोसेस ए में ही चल रहा है, कह रहा है बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, बी में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं वो चेक करना है हमें। बेटा बी में कितना ट्रांसफर कर रहे हैं हम, आउटपुट आ रहा है 8400 यूनिट का, तो यहां क्या करेंगे 8400 यूनिट, क्लियर? यस सर। बेटा ये 1000 यूनिट नहीं होंगे, ये 10000 यूनिट होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत गलतियां है, 10000 यूनिट होगा और ये आएगा 0.5 पैसा, ठीक है, ये 10 ईयर में ऐसी गलतियां होती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नॉर्मल लॉस कितना हुआ वो चेक करो, क्वेश्चन में बोला है 10% का नॉर्मल लॉस है, तो बेटा 10000 का 10% समीर कितना होगा, 100, 10000 का 10% 1000, अच्छा सॉरी, तो 10000 में से 1000 के बचे कितने, 9000, लेकिन आउटपुट कितना आ रहा है 8400, तो 600 का एबनॉर्मल लॉस, क्लियर? यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कह रहा प्रोसेस ए का नॉर्मल लॉस 5 पैसे में बिकता है, तो बेटा 5 पैसे का मतलब कितना हो गया, 0.05, 5 पैसे 0.05, तो यहां लिख रहा हूं 0.05 मल्टीप्लाई करो 50 रुपए, क्लियर? यस सर। रितिका समझ आए यहां तक? हाँ जी भैया। अब इसको टोटल करो कितना आ रहा है, 5, 10 और ये हो गया 8, 18000, ये हो गया 10000, तो कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 18000 माइनस 50 रुपए डिवाइड बाई 10000 माइनस 1000, सॉल्व करो फटाफट कितना आया, ये हो गया 17950 डिवाइड बाई 9000, अब डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से, 9, तो बेटा यहां आ गया 17950 डिवाइड बाई 9000, तो बेटा ये आ रहा है 1.9999 समथिंग आ रहा है, तो बेटा इसको राउंड ऑफ करके कितना कर सकते हैं, 2 रुपए कर दूं? यस सर। तो यहां भी 2 लिख दो, यहां भी 2 लिख दो, ये हो गया 1200, ये हो गया तुम्हारा 16800, क्लियर? समझ आया यहां तक? यस समीर और रितिका। हां जी भैया। नेक्स्ट प्रोसेस, प्रोसेस बी कंटिन्यू हो रहा है उसके आगे, क्वेश्चन अगेन वही, यूनिट क्वांटिटी अमाउंट, यूनिट क्वांटिटी अमाउंट, और यहां लिखा टू ट्रांसफर फ्रॉम
प्रोसेस ए, ए से कितना ट्रांसफर हुआ है क्वेश्चन में चेक करेंगे, ऊपर 8400 यूनिट ट्रांसफर हुए हैं, 2 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 16800। क्लियर रितिका, ये पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी, ये पॉइंट समझ आया? हाँ जी आ गया भी। समीर? यस सर आ गया। तो बेटा यहाँ पर मैं सर्कल लगा के इस पूरे को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। अब बेटा आगे की कहानी यहाँ पर क्या आती है, क्वेश्चन में चलते हैं। कहता मटेरियल 2500, तो लिखते चले जाओ, टू मटेरियल 2500, टू वेजेस 3000, और टू अदर एक्सपेंस 1073 रुपए। क्लियर, समझ आए यहां तक? यस सर। बाय नॉर्मल लॉस कितना कह रहा, बी में 7.5% इनपुट का, तो बेटा 8400 का 7.5% कितना हो गया 630 यूनिट। कितने का बिकेगा कह रहा, 10 पैसे, तो 0.10 मल्टीप्लाई 0.10 63 रुपए का। बेटा मुझे बता 8400 में से 6630 गए तो बचा कितना, 7770 बचा, लेकिन आउटपुट कितना क्वेश्चन में 7300। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाय फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्यों कह रहा है, क्वेश्चन में जब बोले थे दो ही प्रोसेस होते हैं इसके, तो भैया पहले वाला ट्रांसफर होकर आखिरी में फिनिश गुड्स निकलेगा। आउटपुट 7300 का हुआ है, तो मतलब कितना एबनॉर्मल लॉस हो गया, 470 का एबनॉर्मल लॉस। क्लियर क्लियर? हाँ जी भैया। अब लास्ट में फिर दोबारा वही करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा इसको टोटल करो कितना आ रहा है, ये 3 7 8 5 13 का 3 हाथ में रह गया, 1 6 3 9 10 दोबारा 13 का 3 हाथ में रह गया, 23 373 और 8400। तो 23 373 माइनस 63 डिवाइड बाई 8400 माइनस 630। डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, 23310 डिवाइड बाई 777 0, 3 रुपए पर यूनिट। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 रुपए यहाँ लिख देंगे, 3 रुपए यहाँ भी लिख देंगे, तो 470 × 3 कर देंगे 1410 रुपए, और 7300 × 3 21900 रुपए टोटल कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे पूरे 8400 मिल जाएंगे। कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ये एग्जाम में 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोलो फ्री फ्रेंड के क्वेश्चन नहीं है। यस सर। समझ आया बेटा रितिका और समीर? हाँ जी भैया। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस निकाल के रखूंगा, आप लोग इन्हीं दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं ये इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भेज देता हूँ, ठीक है? ओके भैया। यस सर। रुक जाओ एक मिनट, पीडीएफ भेज देता हूँ पहले तुम्हें। ये बेटा मैंने पीडीएफ भेज दी, एक बार इसको ट्राई कर लेना क्वेश्चंस को, ठीक है? यस सर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पर कॉस्टिंग के। तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ, बाकी बेटा कल कॉर्पोरेट की क्लास होगी, मैं टाइमिंग बता दूंगा तेरे को। और समीर बेटा तेरे को सुबह आना है, ठीक है? ऑफलाइन क्लास है कल। ऑफलाइन है सर? हाँ, कल 11 बजे ऑफलाइन क्लास है। ओके सर। ओके बेटा। और निकिता तेरे को मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ अभी, ठीक है?